आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुरका यानी बिस्तर कैसा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सौफ का एक कंबल था जिसमें पैवन लगे हुए थे जिसको खरका यानी गुदड़ी कहते हैं सोफ का काला कंबल जिसमें पैवन लगे हुए हों ये अम्बिया कराम की सुन्नत है जो अल्लाह और दरवेशों को विरासत में मिला है अफसोस और हजार अफसोस की ये सुन्नत अब दुनिया से रुखत हुई सूफी को सूफी इसलिए कहा जाता है कि जो सूफ का कंबल अम्बिया कराम की सुन्नत पर अमल करने के लिए पहनता हो और दुनिया को तीन तलाक मगजल्ला बायना दे के बेफिक्र हो गया हो और हल्ला शाही और अमीरी को इस खरका दरवेशी के मुकाबले में हेज समझता हो अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि हजरात अंबिया गदों पर सवारी करते थे और सूफ का लिबास पहनते थे और बकरियों का दूध धोते थे इस रिवायत को अबू दाऊद तलियासी ने रिवायत किया है कि आ हजरत सल्लाम ने रिशात फरमाया कि जिस रोज मूसम हक ताला जल्ला शान से हम कलाम हुए इस रोज इनका कंबल सूफ का था और टोपी भी सूफ की थी और जिबा भी सूफ का था और पजामा भी सोफ का था और ना लेने मर्दा गधे की खाल के थे इस हदीस को तरमजी ने रिवायत किया है और कहा असनाद है और हाकिम ने भी इसको रिवायत किया और ये कहा कि ये हदीस शर्त बुखारी पर सही है हजरत अबू बुरदा बिन अबी मुसाशरी से रिवायत है कि एक दिन आयशा सदीका रजील्ला ने सोफ का एक मोटा कंबल जिसमें पैवन लगे हुए थे मोटा तहमद निकाल कर हमको दिखलाया और ये कहा कि नबी अकरम सल्ला वल्म की वफात इन दो कपड़ों में हुई आयशा सदीका का ये मकसद आपकी सादगी और, और शान दरवेशी और फकीरी को बतलाना था कि हजूर पुर सला वसलम की जिंदगी ऐसी थी और हक ताला जल्ला शाना हो के इस तरह लुफ खताब यानी या हल मुजम्मिल और या यायूहल मुदसर में इशारा इस तरफ है कि बारगा खुदाबंदी में कंबल और गुदड़ी गायब दर्जा महबूब था कि इस लिबास के नुवान से हजूरपुर नोर सल्ला वसलम को खिताब फरमाया इसलिए शाह अब्दुल अब्दुलजीज कुरा ने लिखा है कि ओलिया कराम के नजदीक सूरह मुजमिल को सूर खरका कहा है जिसमें खरका गुदड़ी के आदाब शराइ का जिक्र है जजाकल्ला